हेलो बच्चों, ई सिद्धांत प्लेटफॉर्म पे मैं आपका स्वागत करता हूं और मैं आपको केमिस्ट्री के कुछ टॉपिक, आज का टॉपिक है वो बताने वाला हूं और केमिस्ट्री के बारे में अपने डिस्कस करेंगे। और सबसे पहले अपने यानी जो बीएससी बीएड का जो सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं, यानी अपने केमिस्ट्री के बैच से स्टार्ट करेंगे, यानी केमिस्ट्री के जो बैच है कहाँ से स्टार्ट हो रहा है वहाँ से स्टार्ट करेंगे। हर आपको छोटी छोटी बातें, वेरी इंपॉर्टेंट बातें मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। तो सबसे पहले अपने चलते हैं केमिस्ट्री के ऊपर। तो केमिस्ट्री मैंने लिख दिया, केमिस्ट्री यहाँ जो शब्द लिखा है आपने इसको पढ़ लिया, इसको दो तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है। चुनुमुनु आपको इस तरीके से पढ़ाया जाएगा जिस प्रकार कि आपके मुँह के अंदर एक लार बननी चाहिए। जैसे आप किसी बर्गर को देखते हो तो बर्गर को देखने के बाद आपके मुख में क्या बनती है, लार बनती है। तो आप उसी के अकॉर्डिंग केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हो, तो केमिस्ट्री पढ़ने से पहले आपके माइंड के अंदर साइको बननी चाहिए कि मैं केमिस्ट्री पढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो आइए चलते हैं, शुरुआत करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री की सबसे पहले क्या है केमिस्ट्री, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो केमिस्ट्री देखो, एक बात करते हैं छोटी सी कि जैसे ही आप अपने घर से निकलते हो तो सबसे पहले अपने इष्ट देवता को मना के निकलते हो। तो मैं इस प्लेटफॉर्म पे सबसे पहले जो केमिस्ट्री के इष्ट देवता हैं उन्हीं को मना के चलता हूँ। तो केमिस्ट्री के जो इष्ट देवता हैं, जो अपने सामने जो केमिस्ट्री लेके आए हैं उनके बारे में अपने डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अपनी जो केमिस्ट्री लेके आए, अपने सामने लेके आए, वो कौन थे, इसके जो जनक थे, इसके फादर थे, तो वो कौन थे, लेवोसियर थे, ठीक है। लेवोसियर इसके केमिस्ट्री के फादर थे जो हमारे सामने केमिस्ट्री लेके आए थे। तो अब अपने बात करते हैं, तो ये जो लेवोसियर हैं ये पूरी वर्ल्ड की केमिस्ट्री के जनक है, ठीक है। उसके बाद में अपना जो इंडिया है वो भी पीछे नहीं है, वो भी इंडिया भी आगे है। तो हमारी जो केमिस्ट्री, इंडिया की जो केमिस्ट्री है, मॉडर्न केमिस्ट्री, इंडिया की जो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके जनक है डॉक्टर, यानी या तो प्रफुल्ल चंद्र आचार्य के नाम से भी जानते हैं, प्रोफेसर के नाम से भी जानते हैं, डॉक्टर के नाम प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नाम से जानते हैं। तो अब अपने बात करते हैं, इन्होंने एक बुक लिखी थी हिंदू ऑफ केमिस्ट्री, उसके इस बुक के अकॉर्डिंग इनको डॉक्टर के नाम से या प्रोफेसर के नाम से जाना गया, प्रफुल्ल चंद्र रॉय के नाम से। आइए अब हमें आगे चलते हैं। तो ये दो हैं, अगर आपसे क्वेश्चन के अंदर पूछा जाए, चुनुमुनु क्या पूछा जाएगा आपसे, आपसे ये पूछा जाएगा कि केमिस्ट्री के जनक कौन है, तो लेवोसियर या लेवोसियर के नाम से जानते हैं, बुक में ये लिखा गया है। तो उसके बाद में जो भारतीय जो केमिस्ट्री है, भारतीय केमिस्ट्री के जनक कौन है, प्रफुल्ल चंद्र रॉय है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं केमिस्ट्री में जो अध्ययन किसका होता है, केमिस्ट्री में जो स्टडी किसकी होती है, केमिस्ट्री में अध्ययन किसका होता है, अगर ये आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले किसका अध्ययन होता है, तो केमिस्ट्री में अध्ययन होता है वो द्रव्य या पदार्थ का, द्रव्य या पदार्थ, ठीक है। द्रव्य कह दो, मैटर कह दो, ये एक ही बात है, ठीक है। इन चीज़ों का अध्ययन होता है। तो आइए इसको समझते हैं। तो अपने मैं इस केमिस्ट्री को आपकी लाइफ के अंदर ढाल के, यानी लाइफ के साथ जोड़ के बता रहा हूँ। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं कुछ घरेलू टर्म्स की, तो जिसके अकॉर्डिंग अपनी जो परिभाषा है उसको समझने में क्या अपने को आसानी हो। तो चुनुमुनु आपकी मम्मा आपके लिए हलवा बनाए, आपकी मम्मा आपके लिए हलवा बनाए, तो हलवा आपके पड़ोस की आंटी को पास टेस्ट करवाने के लिए लेके जाए, तो आंटी क्या पूछेगी चुनुमुनु, एक ही बात पूछेगी, क्या पूछेगी कि इसमें क्या डाला आपने, या इसका मेथड पूछेगी चुनुमुनु, क्या पूछेगी इसमें, एक मेथड पूछेगी, ठीक है ना। तो अब इसके अंदर देखो, आपकी मम्मा आपके लिए हलवा बनाया, पड़ोस की आंटी को टेस्ट करवाया, तो पड़ोस की आंटी पूछेगी उसमें क्या डाला गया, कौन सा मसाला डाला गया। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें और क्या पूछेगी, उसकी विधि पूछेगी, ठीक है। दो कंडीशन, तो केमिस्ट्री के अंदर ये दो कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, एक जो जितनी चीज़ें डाली गई है कंपोजिशन, जिसे बोलते हैं कंपोजिशन, और दूसरी कंडीशन ये होती है एक मेथड होता है, किसी पदार्थ को बनाएंगे तो उसका क्या होता है, मेथड होता है। तो आइए अपने चलते हैं कि सबसे पहले अपने बात करें कि केमिस्ट्री में अध्ययन किसका होता है, द्रव्य या पदार्थ का होता है, किसका होता है, द्रव्य या पदार्थ या मैटर का होता है। अब आपके माइंड में आ गया क्या बात आ गई कि द्रव्य क्या चीज़ है, द्रव्य व्हाट इज द्रव्य या व्हाट इज मैटर, क्या चीज़ है ये। तो इसके लिए अपने बात करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ ये लिख रहा हूँ, ये कंडीशन लिख रहा हूँ, उस कंडीशन के अकॉर्डिंग अपने मैटर की
इसके अंदर आजकल हर टेक्निकल आ रही है, नई नई टेक्निकल आ रही है। टेक्निकल कोडिंग अपने पढ़ेंगे, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है आपको, बस टेक्निकल का इस्तेमाल करना है। तो देखो आपकी बुक में बड़ी लाइन में लिखा होगा तो उसको आप बार बार पढ़ते होंगे, बार बार पढ़ना रट्टा मारना वो सिस्टम नहीं होगा, सिर्फ टेक्निकल लगानी है। तो आइए अपने इस, मैंने इसको डायग्राम बना के यहाँ पे लिखा है। तो फर्स्ट कंडीशन में दो बातें लिखूंगा और दो बातों के साथ इसकी डेफिनेशन है वो आपको क्लियर हो जाएगी। तो सबसे पहले अपने एक बात करते हैं, छोटी सी बात करते हैं उसके कोडिंग की। जैसे मैं आपको दो कटोरी के अंदर एक में मणके डाल के दे दूं और दूसरे में एक धागा सुई दे दूं, तो उसके अंदर आपने क्या करना होगा चुनुमुनु, आपको एक माला बनानी होगी। तो माला बनानी है तो माला वही बच्चा सुंदर बना पाएगा जिसने मान लो कलर को सेट किया है, यानी मणि जो जितने भी माला के अंदर मणके यूज हुए हैं उनकी आपने डिजाइनिंग सही की है तो आप सुंदर माला बनाओगे। तो साइंस के अंदर सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि आपको सेंटेंस बनाना चाहिए। अगर आप सेंटेंस नहीं बना पाए तो आप लिख नहीं पाओगे। तो आप सबसे पहले आप सेंटेंस बनाना सीखो और सेंटेंस बनाने के को बाद आप हर चीज़ को अपनी भाषा लैंग्वेज में लिख सकते हो। तो साइंस को आप समझो, मेरा काम है समझाने का, और आप इस चीज़ को समझ कर और अपने माला बना के देखो, यानी सेंटेंस बना के देखो। तो आइए इस पे मैटर पे बात करते हैं। मैटर जो है इसकी दो कंडीशन फॉलो करता है। नंबर एक कंडीशन जो है, फर्स्ट कंडीशन मैं लिख रहा हूँ कि इसका क्या होता है, भार होता है, यानी द्रव्यमान होता है, ठीक है। और सेकंड कंडीशन पे बात करें, ये तो फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन में बात करें तो इसका क्या होता है, ये स्थान घेरता है। क्या घेरता है, स्थान घेरता है, ठीक है। ये दो कंडीशन है। अब मैंने आपको बता दिया कि आपको माला बनानी, यानी सेंटेंस बनाना चाहिए। तो अब आपको पूछ ले कि द्रव्य किसे कहते हैं, पदार्थ किसे कहते हैं, या व्हाट इज मैटर, तो आपने उसको कैसे लिखना है। अब मैंने इसकी डेफिनेशन समझा दी यहाँ पे कि वही पदार्थ है जिसके अंदर दो कंडीशन लागू होती है, दो कंडीशन जिसका भार होता है, द्रव्यमान होता है और स्थान घेरता है, वो क्या है, पदार्थ है। तो आइए इसकी डेफिनेशन को लिखते हैं, कैसे लिखते हैं। मैंने अभी बात की है आपके सामने, क्या बात की है कि आपको सेंटेंस वाक्य बनाना आना चाहिए। तो ये लो, अब देखो कैसे लिखेंगे। वे वस्तु जिनका अपना भार या द्रव्यमान हो, वे वस्तु जिनका अपना भार या द्रव्यमान हो और स्थान घेरती हो, उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। चुनमुनु ये बात आपके माइंड के अंदर सेट बैठ गई होगी। तो इसके अंदर अपने बात करें, दोबारा रिपीट करता हूं मैं इस चीज को कि मैटर क्या है, व्हाट इज मैटर। दो कंडीशन लागू होती है जिसका भार हो, द्रव्यमान हो, दूसरी कंडीशन स्थान घेरता हो, कि वे वस्तु जिनका अपना भार और स्थान घेरती हो उन्हें क्या कहते हैं, द्रव्य या पदार्थ कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरे हाथ में डस्टर है तो डस्टर पे दो कंडीशन फॉलो हो रही है, ये दोनों कंडीशन इस डस्टर पे फॉलो हो रही है। देखो इस डस्टर का क्या होगा, वेट होगा, यानी वजन होगा, भार होगा। उसके बाद मैंने इसको हथेली पे रख लिया तो ये क्या करेगा, स्थान घेरेगा। तो दो कंडीशन कंप्लीट, तो इसको क्या कहेंगे, पदार्थ कहेंगे। अब चोक है, चोक के अंदर भी दो कंडीशन है, चोक का भार होता है, स्थान घेरता है, ये दो कंडीशन है, तो उसे क्या कहते हैं, अपने द्रव्य कहते हैं। तो ये इसकी द्रव्य की बात होगी, इसकी परिभाषा होगी। अब केमिस्ट्री में किसका अध्ययन, रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो रसायन विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, द्रव्य पदार्थ का। और द्रव्य पदार्थ किसे कहते हैं, जिसकी दो कंडीशन फॉलो होती है। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, अपने नेक्स्ट पॉइंट की बात करें। अब अपने सामने आता है कि केमिस्ट्री क्या चीज़ है, केमिस्ट्री किसे कहते हैं। तो आइए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका एग्जाम्पल, जैसे मैटर ले लिया यहाँ पर, तो यहां लिख देता हूं मैं चोक। चोक क्या है, एग्जाम्पल है इसका, किसका, द्रव्य का, ठीक है। अब मैंने बोला आपको कंडीशन बताइए स्टार्टिंग अंदर, तो क्या बात बोली थी, मैंने एक बात बोली थी आपको सबसे पहले कि आप अपने घर के अंदर हलवा बनाते हो ना, तो हलवे की बात, तो हलवे में क्या सामग्री डाली गई है उसका संगठन होता है वो, ठीक है, यानी कंपोजिशन होता है। तो जो जितने पदार्थ है उनका क्या होगा, संगठन होगा, यानी कंपोजिशन होगा। तो फर्स्ट बात ये रहेगी केमिस्ट्री की जो परिभाषा है उसके, तो इसका क्या होगा, संगठन होगा, ठीक है। दूसरी बात अपने बात करें, दूसरी कंडीशन है अपने बात करें कि दूसरी कंडीशन, सेकंड नंबर कंडीशन है वो है संरचना। संरचना की बात करें चुनमुनु, संरचना की बात करें कि आपके घर के बाहर आपके दादाजी चारपाई बना रहे हैं और चारपाई
उसमें चारपाई के अंदर डिजाइनिंग कर रहे हैं तो डिजाइनिंग उसमें फूल वगैरह जो भी चीज़ बना रहे हैं, तो उसी प्रकार पदार्थों के अंदर भी क्या होता है, डिजाइनिंग होती है, ठीक है, उनकी स्ट्रक्चर होती है, उनकी संरचना होती है। तो मैं यहाँ डिजाइनिंग को किस में लूँगा, स्ट्रक्चर में लूँगा, तो संरचना होती है। इसी प्रकार पदार्थों की क्या होती है, संरचना होती है। तो फर्स्ट कंडीशन अपने बात करें, फर्स्ट इसकी दो प्रकार की संरचना होती है। फर्स्ट स्ट्रक्चर होती है इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर जिसे अपने बोलते हैं बिंदु संरचना, ठीक है, इलेक्ट्रो बिंदु संरचना। और दूसरी होती है सिंपल स्ट्रक्चर चलती है, ये दो स्ट्रक्चर होती है। जैसे एग्जाम्पल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन मैंने ले लिया, यानी O2 ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन लिया गैस, तो इसके अंदर इसकी जो स्ट्रक्चर बनाएंगे कौन सी, इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो वैसे बनेगी, कैसे बनेगी, तो इसके देखो ऑक्सीजन के आउट सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो ये मैंने यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन पॉइंट बना के लिख दिए। इसी प्रकार इसके अंदर भी कितने होंगे, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये एक्सेप्ट करेगा 2 इलेक्ट्रॉन किससे, पास वाले एटम से। इसी प्रकार ये एक्सेप्ट करेगा, तो ये वाली संरचना कौन सी होगी, इलेक्ट्रो पॉइंट स्ट्रक्चर होगी। अब सिंपल स्ट्रक्चर कौन सी होगी, जो मैं लिख दिया यहाँ पे ओ, इनमें एग्रीमेंट कितना हुआ है, यानी कौन सा बॉन्ड कितने इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है। तो अब यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी हुई है, तो यहाँ 2 बॉन्ड लगा दिए मैंने, इसे डबल बॉन्ड बोलते हैं। तो ये होगी सिंपल स्ट्रक्चर, तो ये संरचना होगी। तो पदार्थ के अंदर दो कंडीशन लागू होती है, दो मैंने लिख दी, संगठन और संरचना। अब थर्ड नंबर कंडीशन है, थर्ड नंबर मैंने अभी बात की थी, तो आंटी क्या पूछेगी, आंटी पूछेगी मेथड कि हेलो आपकी मम्मी ने कैसे बनाया। तो अब अपने बात करते हैं, उसे बोलते हैं आपकी बुक में ऐसा शब्द लिखा होगा, विरचन शब्द लिखा होगा, या फिर इंग्लिश में लिखा होगा प्रीप्रेशंस, या फिर मेथड विधि लिखी होगी बनाने की विधि। तो ये आपको ध्यान में रखना, इसको मैं लिख दिया यहाँ ब्रैकेट बना के, बनाने की विधि, यानी जो पदार्थ हैं वो किस प्रकार बने हैं, ठीक है, जैसे आपके कोई भी चीज़ है, ठीक है, वो किस प्रकार बनाया गया है, ठीक है। तो अब अपने बात करते हैं, तो इसमें विरचन बनाने की विधि है। उसके बाद अपने फोर्थ पॉइंट पे, कोई भी आदमी है उसके दो गुण होते हैं, आदमी में दो गुण होते हैं, अच्छाई और बुराई। उसको मैं यहाँ पे उन गुण धर्मों को लिख दूंगा, फिजिकल एंड केमिकल, किस में लिख दूंगा, फिजिकल एंड केमिकल के अंदर लिख दूंगा। तो फिजिकल एंड केमिकल भौतिक गुण धर्म, दूसरा हो जाएगा रासायनिक गुण धर्म, ठीक है, केमिकल। तो अब अपने बात करें भौतिक गुणधर्म कौन से होते हैं, भौतिक गुणधर्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं, भौतिक गुणधर्म को अपनी आंखों से देख सकते हैं, ठीक है। भौतिक गुणधर्म कौन कौन से हैं वो अपने बात करते हैं। नंबर एक एमपी, यानी गलनांक, ठीक है, जैसे मोमबत्ती आप जलाते हो तो मोमबत्ती क्या है, ठोस से द्रव अवस्था में आती है, यानी उसकी अवस्था चेंज हो रही है, आप उसको आंखों से देख सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट दूसरी कंडीशन है कौंथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट कौंथनांक। तो कौंथनांक जैसे पानी उबल रहा है, पानी उबल रहा है तो आप उसको देख सकते हो अपनी आंखों से, तो वो क्या कहलाता है, कौंथनांक, यानी पानी का उबलना, वो हो गया बीपी। तो ये सब गुणधर्म किस में आ गए, भौतिक के अंदर आ गए, ठीक है। उसके बाद में कलर्स, रंग वगैरह, ये किस में आ गए, ये कोई भी चीज़ है, पदार्थ है, उसका आप कलर देख सकते हो। तो ये सब किसके अंदर आ गए, भौतिक गुणधर्म के अंदर आ गए। उसके बाद अपने बात करें केमिकल, केमिकल के अंदर क्या कौन से गुणधर्म होते हैं वो अपने बात करते हैं। केमिकल के अंदर दो कंडीशन होती है, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शंस, ये दो गुणधर्म किसके अंदर आते हैं, केमिकल के अंदर आते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं अपने, ऑक्सीडेशन रिडक्शन, ये दो गुणधर्म किसके अंदर आते हैं, केमिकल के अंदर आते हैं, और भी हैं। उसके बाद में नेक्स्ट अपने बात करें यूजेस, यानी यूजेस कहाँ इसका उपयोग हो रहा है। तो चुनुमुनु मैंने अभी तक इसका डायग्राम बना के, मैंने एक पहली बात बोली थी आपको सेंटेंस बनाना आना चाहिए, तो अगर सेंटेंस नहीं बनाना आया तो अपने इसको लिख नहीं पाएंगे। तो देखो सबसे पहले आपने बात करें कि जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री है वो कहाँ की, किसकी ब्रांच है, विज्ञान की एक शाखा है, ठीक है, विज्ञान की एक शाखा है कौन, केमिस्ट्री। और अब अपने बात करते हैं, तो जो विज्ञान है तो इसकी डेफिनेशन बता रहा हूँ, किसकी, केमिस्ट्री की जो परिभाषा है वो बता रहा हूँ आपको, उस पे थोड़ा सा आप अपना ध्यान देना भाई। आइए अपनी स्लाइड पे देखो, इस स्लाइड पे देखो क्या लिखा है, मैंने समझाया है वो देखो, उसको मैं सेंटेंस वाक्य में पिरो रहा हूँ। तो देखो विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण, संगठन, संरचना, विरचन
और गुणधर्म, फिजिकल एंड केमिकल, भौतिक और रासायनिक गुणधर्म, उपयोग इत्यादि का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये मैंने इसकी क्या लिख दी यहां पे, डेफिनेशन लिख दी केमिस्ट्री की। दोबारा रिपीट करता हूं मैं, केमिस्ट्री विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत पदार्थ के निम्न गुण, पदार्थ के निम्न गुण, संगठन, संरचना, विरचन बनाने की विधि, गुणधर्म, भौतिक रासायनिक यूजेस, इन सब का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। तो ये अपनी डेफिनेशन हुई है किसकी? रसायन विज्ञान की। उसके बाद में एक छोटी सी बात करें, अगर आप इसको, आपको ये परिभाषा बड़ी लग रही है तो अपनी छोटी परिभाषा भी इसके बात करते हैं। जैसे बात करते हैं, अपने घर में छोटा सा बच्चा होता है, आप उसको नया खिलौना ला के देते हो, नया खिलौना ला के देते हो, तो वो खिलौना दो दिन या दो घंटे के बाद उसको तोड़ देता है और वापस आपके पास लेके आता है, वापस आपके पास लेके आता है, क्या लेके आता है? खिलौना। तो आप उसको जोड़ के देते हो, जोड़ के देते हो। तो यही बात है इसके अंदर है, रसायन विज्ञान के अंदर, यानी रसायन विज्ञान किसे कहते हैं? इसमें अणु परमाणु का टूटना जुड़ना होता है, टूटना और जुड़ना होता है और नई चीज़ का बनना होता है, वो क्या होती है? रसायन विज्ञान। ठीक है, तो ये मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको बता दिया, रसायन यानी अणु और परमाणु का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। अणु और परमाणु का अध्ययन किया जाता है, उस शाखा को क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसकी डेफिनेशन बता दी केमिस्ट्री की। अब केमिस्ट्री के अंदर आप बीएससी बीड के अंदर तीन ब्रांच पढ़ोगे, फिजिकल, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, भौतिक, कार्बनिक, अकार्बनिक, तीनों बुकें पढ़ोगे। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है, तीन बुक पढ़नी है। तो सबसे पहले अपने बात करें नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया कि केमिस्ट्री के जनक कौन है? लियोसी। और इंडिया के जनक कौन है? इंडिया की जो केमिस्ट्री उसके जनक कौन है? प्रफुल्ल चंद्र रॉय। और परिभाषा उसके बाद मैंने ये सिस्टम आपको बताया है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना, इसके अंदर कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा अपना इसी के अंदर कि अणुभार, ठीक है, यानी अणुभार निकालना आना चाहिए अपने को, क्या निकालना आना चाहिए? अणुभार। जैसे अपना नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे चैप्टर, तो उसके अंदर अपने को क्या आना चाहिए? अणुभार आना चाहिए। तो कंपाउंड्स का अणुभार आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है, जैसे अपने बात करते हैं CO2 का आपको अणुभार निकालना आना चाहिए। CO2, जैसे CO2 की बात करें तो इसका आपको पता है एटॉमिक मास कितना है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना है? तो कार्बन परमाणु का द्रव्यमान, कार्बन परमाणु का द्रव्यमान ये होगा 12। उसके बाद में अपने बात करें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होगा? 16। ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब देखो कार्बन का 12, उसके बाद में ऑक्सीजन 2 × 16, अब 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44। ये इसका क्या आ गया? अणुभार आ गया जी। ठीक है, उसके बाद में इसी प्रकार जल का, ठीक है, जल का H2O का बात करते हैं तो हाइड्रोजन 1, H का 1, 1 × 2 प्लस 1 × 16, 2 + 16 कितना आएगा? 18 जी आएगा। ठीक है, तो ये अपने अणुभार की बात की है, यानी इसके अपने आगे जो पॉइंट है, आगे वाला जो है वो अपना क्या है? विलयन है। तो विलयन के अंदर अपने न्यूमेरिकल जो करेंगे, सोल्व करेंगे, तो उसके अंदर अणुभार आएगा। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी। ठीक है, जैसे अपना विलयन लेसन पढ़ने से पहले अपने को क्या आना चाहिए? अणुभार आना चाहिए, अणुभार निकालना आना चाहिए। फर्स्ट कंडीशन अपने को क्या आना चाहिए? अणुभार निकालना आना चाहिए। उसके बाद अपने पास सेकंड कंडीशन होगा मोल आना चाहिए अपने को। तो अणुभार अभी अपने सीखा है, अणुभार कैसे निकालेंगे, मोलिकुलर वेट कैसे निकालते हैं, वो मैंने आपको बता दिया। और एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज का C6H12O6, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है, इसका अपना क्या निकालेंगे? अणुभार निकालेंगे। तो आप इस पे थोड़ा अपना फोकस दो, ध्यान करें विशेष तो
कार्बन का कितना मास होता है 12, तो 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 6 इंटू 16, ठीक है, तो इसका क्या जाएगा, वेट आ जाएगा। तो इस प्रकार क्या निकालेंगे अपने, इसका वेट निकालेंगे, अणुभार निकालेंगे। और उसके बाद एग्जाम्पल और भी हैं, बहुत से एग्जाम्पल है, आप इसके आधार पे आप क्या निकाल सकते हो, अणुभार निकाल सकते हो, ठीक है। CO2 का ये तो आपको लर्निंग रखनी है, CO2 H2O का जो वेट है आपको ध्यान रखना है, ये आपको याद भी रखना है, ठीक है। आगे अपने पढ़ते हैं मोल। विलयन चैप्टर के अंदर दो कंडीशन आपको आनी चाहिए, फर्स्ट कंडीशन मैंने आपको बता दी अणुभार, और सेकेंड कंडीशन भी आना चाहिए मोल, यानी मोल आना चाहिए। तो मोल याद करने का जो फॉर्मूला है वो अपने लर्न रखना है, ठीक है। W अपॉन M ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा, W अपॉन M ये अपने पास फॉर्मूला रहेगा। W ये आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर ये वैल्यू आपको दी होगी, ये दिया हुआ होगा, ठीक है। और ये आपको निकालना होगा, M आपको निकालना होगा, M यानी अणुभार आपको निकालना आता है, ठीक है, अभी मैंने आपको बताया है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट अपनी बात करें तो इस मोल, तो ये चीजें आपको दी होगी W, और M आपको लर्न करना है, M आपको लर्न कर सकते हो, कोई भी जो फॉर्मूला दिया होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आप इसको याद कर सकते हो, ठीक है। तो नेक्स्ट अपने पढ़ेंगे विलयन। थैंक यू फॉर वीडियो वॉच।